हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ये है हिमालय का प्रिकली हीट बेबी पाउडर। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और सुनने के बाद माइंड में यही ख्याल आता है कि क्या इसे बच्चों के रैशेस पर लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने भी सोचा, फिर इस पर मैंने रिसर्च की एंड देन इसे बाय किया। पहले इस पर क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। इस पर लिखा गया है फ्री फ्रॉम पैराबेन, सिंथेटिक क्लर। यहाँ पर क्लेम किया गया है कि रिलीव्स प्रिकली हीट, कीप्स बेबी स्किन कूल एंड फ्रेश। पाउडर में दो ऐसे की इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो बच्चों को रिलीफ पहुँचाने में मदद करते हैं, नीम और खसखस। ये पाउडर क्लिनिकली टेस्टेड है, जेंटल है, सेफ है और रिसर्च है। ये हुई डिटेल बॉटल के टॉप की। अब देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और बाकी की डिटेल। सबसे पहले हम देखेंगे यशद भस्म के बारे में। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो इसमें डाली गई है, जो जिंक और एलोवेरा को मिलाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका मेन खसखस। ये एक कूलिंग एजेंट होता है। इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बहुत माना गया है। ट्रेडिशनली हम इसे कूलर में यूज़ करते हैं। क्लिनिकली देखा जाए तो खसखस के कोई एलर्जी तो नहीं होती यूज़ से, लेकिन फिर भी एक बार आपको पैश टेस्ट ज़रूर ले लेना चाहिए। जी हाँ, आपको पैश टेस्ट लेना चाहिए। और मैंने पैश टेस्ट नहीं लिया, मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, इसकी तारीफ़ें सुनी और इसे मैंने अप्लाई किया। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें है नीम। ये फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, बर्निंग सेंसेशन को ठीक करता है और इचिंग को भी ये ठीक करता है। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। लास्ट है करंजा। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो स्किन इश्यूज़ को ठीक करता है। इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से ये पाउडर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने भी ऐसे ही समझा। इसकी प्राइस 80 रुपीज़ है ओनली और 100 ग्राम की क्वांटिटी में ये मिलता है। 2 ईयर्स की यहाँ पर शेल्फ लाइफ दी गई है। इस पाउडर को हमें बच्चों के आइज़, नोज़ और माउथ से दूर रखना है, मतलब कि हमें फेस पर यूज़ नहीं करना है। सेकेंड बहुत अच्छी बात कि आप बच्चों को डायरेक्टली इसे अप्लाई नहीं करेंगे, पहले अपने हाथों पर लो और फिर इसे अप्लाई करो बच्चों के ऊपर। ये हो गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब मैंने इसे अपने 9 मंथ बेबी पर मदीना के लिए मैंने इसे यूज़ किया, तो मेरी बेटी को प्रिकली हीट की तो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रिकली हीट इट मीन्स के घमोरियों की प्रॉब्लम ठंडी में तो नहीं होती है, लेकिन उसे हल्के से रैशेज़ थे। तो मैं नॉर्मली मैं कैंडिड पाउडर यूज़ करती हूँ, उस पर भी मैं रिव्यू ज़रूर दूंगी कि वो कितना अच्छा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा था, मेडिकल पर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि कब से ये लेना ही था, तो मैंने इसे बाय कर लिया। अब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, इसकी डिटेल मैंने देखी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। मैंने इसे अपनी बच्ची पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कुछ घंटों बाद उसे रैशेज़ बढ़ गए और उसे मतलब फुल बॉडी पर मैंने इसे अप्लाई किया, फेस को छोड़कर, तो नेक वगैरह पर भी हल्के हल्के दाने आने लगे। नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मुझे समझ नहीं आया कि किस वजह से हो रहा है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पाउडर की वजह से। फिर नेक्स्ट डे वो बढ़ने लगे, तो मुझे लगा कि शायद ये पाउडर की वजह से हो रहा है। मैंने तुरंत कैंडिड पाउडर मंगवाया और अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में सारा क्लियर हो गया, और अभी भी हल्के हल्के से दाने ऐसे महसूस होते हैं कि यहाँ पर उसकी बॉडी पर दाने आए हुए थे। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पाउडर। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि ऐसे नहीं है कि मेरे बच्चों को सूट नहीं किया तो आपके भी बच्चों को सूट नहीं करेगा। इतना कुछ होने के बाद में भी मैंने अपने 4 ईयर्स के बेटे पर ये पाउडर अप्लाई किया। देखना था मुझे कि इसका रिएक्शन सबको होता है क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसे कुछ नहीं हुआ, उसे ये पाउडर सूट हुआ। और हो सकता है कि बच्चों की बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर आपके 1 ईयर्स के अंडर तक, तो आप उन्हें पैश टेस्ट ज़रूर ले लें। और मुझे ऐसे लगता है कि पैश टेस्ट लेकर रिस्क क्यों लेना। आप बहुत सारे मार्केट में पाउडर्स अवेलेबल है, आप 1 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ करो। लेकिन अगर आपने इसे परचेस कर लिया है तो आप अपने बड़े बच्चों पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पर अप्लाई ना करें। ये फेस पर अप्लाई करने जैसा नहीं है। फेस, आईज़ और नोज़ से इसे हमें दूर रखना है बच्चों को। और पाउडर बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक होता है वो मैंने एक वीडियो फुल इस पर बनाई है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है पाउडर्स लगाना। कोशिश करें जहाँ तक हो सके क्रीम वगैरह अप्लाई करें, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, फेस क्रीम अप्लाई करें, बॉडी लोशन अप्लाई करें।
लेकिन रैशेस वगैरह के लिए हमें पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके बच्चों को पाउडर सूट नहीं करता है तो नॉर्मली आप कोकोनट ऑयल भी रैशेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरह ये पाउडर अप्लाई करके बेवकूफ़ी ना करें, मुझे बहुत बुरा रिज़ल्ट मिला इसका। YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी कि हाँ ये बहुत अच्छे से वर्क करता है ये वो, तो ऐसे मैं उन लोगों को भी नहीं कहूँगी कि उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये मेरे 4 इयर्स के बेटे पर बहुत अच्छे से वर्क किया इसने, लेकिन उसको प्रिकली हीट की या किसी रैशेस की ये नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे अप्लाई किया तो हल्का सा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है ये, लेकिन बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली जैसे पाउडर्स लगाने के बाद कोई रिएक्शन नहीं होता है, वैसे ये लगाने के बाद उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि या तो पैश टेस्ट लें या यूज़ ना करें। सो अगर आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो गिव अवे की वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। वीकली गिव अवे चल रहा है, एवरी वीक एवरी संडे एक विनर सिलेक्ट होता है। आप लोगों को मेरे यूट्यूब के दोनों चैनल पर फॉलो करना है, इंस्टाग्राम के दोनों पेज को फॉलो करना है, डीएम करना है, इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट भेजने हैं कि आपने मेरी वीडियो उसको शेयर किया, यूट्यूब पर कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखेगा। वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। बाय गाइज़।